सो भाई साहब ऑलरेडी मैं जान लिया हूँ मेरे भाग्य के बारे में। विशाल पाल का कार्ड लाओ भाई, देखो कौन सा कार्ड है। विशाल पाल का विशाल ये विशाल विशाल का कौन सा कार्ड है खोज के लाओ। विशाल और कोई कार्ड हो तो निकालो, इतना कार्ड क्यों निकालो। अच्छा यही यही दिखाना है तो आपको थोड़ा सा पढ़ दीजिए ना, मुझको पढ़ना तो बिल्कुल नहीं आता, ये हिंदी पढ़ना नहीं आता। हिंदी नहीं आती क्या? हाँ जी थोड़ा सा पढ़ दीजिए। वृष राशि है वृषभ। वृष राशि? हाँ। अच्छा हिंदी में वृष कहते हैं। अच्छी हे शगुन देखने वाले महाशय, आपको इस वर्ष नई खुशी हासिल होगी नए साल में। अच्छा और कोई नया कार्य भी करेंगे। हाँ जी और सर्विस वगैरह में लाभ रहेगा। हाँ मन का सोचा हुआ कार्य बनेगा। हाँ जी आपके राशि पर कुछ ग्रह का प्रभाव अनिष्ट भी चल रहा है। हाँ इसलिए ग्रह शांति के लिए अनामिका उंगली में माँ दुर्गा की अंगूठी धारण करें। ईसा यंत्र, इस यंत्र के द्वारा ग्रह का प्रभाव शांत हो जाएगा। अच्छा विश्वासम फलदायक। वाह नया साल में, नया साल में कोई शुभ कार्य होगा। ठीक है 10 रुपये दे रहे हूँ, आशीर्वाद कहिएगा। थैंक यू। और निकालो। सो भाई साहब ऑलरेडी मैं जान लिया हूँ मेरे भाग्य के बारे में। अगर आप इस शहर में घूमोगे हर जगह पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर एक पुरातन शास्त्र जिसका नाम है यतीश विद्या। ओके कोई इसको यतीश विद्या को मानते हैं कोई नहीं मानते तो डिफरेंट इशू, बट यहाँ पर इस जगह को इस शहर को बोला जाता है इतना पुराना जो स्पिरिचुअल्स जो रिचुअल्स है इसको मानने वाले लोग बहुत हैं। तो मैंने भी करा लिया 10 रुपये के बाद है कुछ बोला मुझको। ओके दैट आई डोंट नो आई जस्ट फॉरगॉट भूल गया फिर से। ओके रिकॉर्डेड है, बाद में जाकर मैं सुनूंगा और देखूंगा ये जो राम के पैड़ी इस जगह के जो जतीश महाराज थे वो सच बोला और क्या गलत बोला।